हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बटन लगाना बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा बटन है हुक। ये ब्लाउज़ वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ आई बनती है, तो हम पहला जो सीखेंगे वो है हुक और आई, हुक एंड आई, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जहाँ भी हमें बटन को लगाना है वहाँ पे इसको कपड़े के ऊपर इस तरह से रख देंगे, ठीक। और हम इसको लगाने के लिए हमने ये चार धागे यूज़ कर रहे हैं। हमने सुई में ये डबल करके धागा डाला है, जो कि चार हो गए हैं डबल करने पे, ठीक है। एक तरफ से हम डबल करके धागा डालेंगे और दूसरी तरफ निकालेंगे तो चार हो जाएंगे। तो यानी हमें सुई में चार धागे डालने हैं। सबसे पहले हम जो इस बटन का ऊपरी हिस्सा है, जो ये है, इसको फंसाएंगे ताकि हमारा बटन बार बार हिले नहीं। तो हमको जहाँ भी बटन लगाना है उसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे, ठीक। और इस हुक से एक तरफ से सुई निकालेंगे, ठीक। और इसमें ये आगे की तरफ ऐसे फंसाने के लिए जगह बनी होती, इस तरह से ये फंसा के इसके दूसरी तरफ निकाल देंगे, ठीक है, एकदम सीधा। और वापस जहाँ से हमने पहला वाला टाका निकाला था वहीं पे हम सुई निकाल लेंगे। इसको हम दो या तीन बार ऐसे फंसा देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा एक हो गया और ये दो हो गया। आपको और मजबूत लगाना है तो आप तीन बार कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चार धागे लिए हैं तो ये हमारा डबल कर दो टाके लिए, तो यानी कि ये आठ धागों से घिर गया है, तो ये अपने आप मजबूत हो गया है, ठीक है। इसको और मजबूत करना है तो हम तीन बार टाका ले सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट टाका लेंगे तो वो हम डालेंगे तो यहाँ, लेकिन निकालेंगे कहाँ, ये जो छेद हैं इसमें, जो नीचे छेद बने हैं, ठीक है। लेकिन छेद में निकालते समय ये ध्यान रखेंगे कि बटन हमारा सीधा रहे, ये नहीं कि थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाए, जैसे कि मान लो ऐसे, इस तरह से नहीं रखना है। हमें बटन हमेशा सीधा रखना है, तो जब भी हम निकालेंगे तो ये देख लेंगे कि हमारा बटन एकदम सीधा आए। देखिए जैसे इस तरह से, ये देखिए देखने में सीधा लग रहा है ना, तो हमें कहाँ निकालना है, अब इस छेद के अंदर ऐसे निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। बटन हमारा सीधा है और हमने ये छेद में ये टाका निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काज स्टिच बनानी है, इसमें गोलाई में काज बनाना है। काज बनाने के लिए क्या करते हैं, ये छेद में से तो हमारा धागा निकली गया है, मगर अब हम फिर से इसी छेद में डालेंगे सुई, ठीक। और एकदम जहां हमारा ये देखिए गोलाई आ रही है, एकदम उसके बगल में ही हम कपड़े के साथ फंसाते हुए सुई निकालेंगे और धागे को सुई के, ये देखिए ये धागा कहाँ जाएगा, सुई के पीछे, ठीक। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो हम इसे बोलते हैं काज। ये देखिए इसमें जो है इस तरह से चैन स्टिच भी बनती है, ये देखिए ये बन रहा है। अब हम फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम ये इसमें डालेंगे छेद में ही और ठीक इसके बगल में निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरा टाका हम कैसे बनाएंगे, ये हमने छेद में से निकाला और कपड़े में फंसाते हुए, ये देखिए कपड़े, देखिए छेद से ये निकाला, कपड़े में फंसाते हुए इसके बगल में निकाल दिया, ठीक है। अब हम धागा जो है सुई के पीछे से, ये देख रहे हैं, ये धागा हमें कहाँ ले जाना है, सुई के पीछे, और ये ऐसे सुई निकाल देनी है। ये हमारा जब हम खींचेंगे तो ये देखिए इसमें लूप जैसा बन जाएगा, ये धागा क्या होता है, ये बगल वाले जो गोलाई में छेद होते हैं ये खुले होते हैं तो कभी कभी इसमें फंस जाता है, तो ये हम इससे ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से करते हुए हम ये पूरी गोलाई में इसको भर देंगे इस तरह से। ये देखिए छेद में डाला, कपड़े से निकालते हुए उसी के बगल में निकाला, धागा हमने पीछे रखा और ये हमारा, ये हमने खींच दिया तो ये हमारा ऐसे काज बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा चूंकि ये गोलाई भर गई है तो अब हम क्या करेंगे, सुई इसके अंदर कपड़े के अंदर डाल देंगे ये, और वापस ये देखिए एक एक गोलाई हमारी पूरी भर गई है, ये देखो इस तरह से ये शेप आ जाएगा इसमें,
अब हम इसी तरह से दूसरे छेद में भी बनाएंगे। अब हम दूसरे छेद से ऐसे निकालेंगे और उसी तरह से छेद में डाला, कपड़े में फंसाते हुए, ये देखिए छेद में डाला और कपड़े में फंसाते हुए एकदम पास ऐसे ये निकालेंगे। और धागा हमारा कहाँ जाएगा? सुई के पीछे। ठीक है, इस तरह से आप खींच लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरा गोला भी इसी कांच से बना दिया है, भर दिया इसको। ये देखिए इसके साथ ही इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। जब लास्ट में आएंगे तो जहाँ हमारा कप धागा आ रहा है वहीं हम इसको सुई को अंदर डाल के इसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक, अब हम पीछे क्या करेंगे, धागा तोड़ने से पहले एक छोटी सी गांठ लगा लेंगे। तो गांठ के लिए हम क्या करेंगे, धागा में ही कपड़ा, धागे में ही देखिए हमने सुई फंसाई है, कपड़े में हम नहीं फंसा रहे, हम धागा जो पीछे धागे आए हैं ना टाके के उसी में फंसा के और ये जो गोलाई बनती है इसके अंदर से ये निकाल देते हैं और ये गांठ लग जाती है इस तरह से। ठीक है, अब हम धागा कट करके अब आई बताएंगे आपको। अब आई के लिए भी हम क्या करेंगे, हम सुई में हमने चार धागे लिए हैं। ठीक, ये हमारा जो बटन है ये इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए फंसेगा यूँ, तो हमारी आई कहाँ बनेगी, यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसमें देखिए हमने ये धागा निकाला और जितना इसका मुंह है इस तरह से लंबा सा ये हमें टाका ये लगाना है। ये देखिए इतना बड़ा रहेगा कि ये इसमें ऐसे आराम से फंस जाए। ठीक है, इस तरह से हम एकदम सीधा टाका ये ऐसे लगाएंगे और वापस इसी छेद में निकाल देंगे। इसी छेद में मतलब एकदम उसी छेद में नहीं है, उसके बगल जरा सा मतलब एक सूत अगल बगल भी हो सकता है, लगभग कोशिश करेंगे कि उसी छेद में निकल जाए। ठीक, ये हमने एक लाइन डाली और ये हम दूसरी लाइन ये ऐसे, ठीक है, ये हमने डाल दी। ये तो सिंपल दो लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कांच से ही इसको भरना है। कांच से क्या करेंगे, सबसे पहले ये धागा में देखिए इस तरह से हम गोलाई बनाते हुए इसके अंदर, अब हमें कपड़े में नहीं हमने फंसाया है, ये देखिए पूरी सुई धागे से इधर से उधर हो रही है, ये धागा बस सुई को इस धागे को लपेटना है एक तरह से। ठीक, ये हमने लपेटा, लेकिन ये हमारा जो धागा है ये कहाँ जाएगा, ये सुई के पीछे जाएगा, तब ये हमारा ऐसे ये काज बनेगा। ठीक, एक में नहीं समझ में आएगा, ये देखिए दूसरा, ये खाली हमने इसी यही जो टाका लिया है इसी टाके में बस हमने सुई डाली, हम कपड़े में सुई नहीं डाल रहे हैं। ठीक, और ये वाला जो धागा ये सुई के पीछे और ये हमने सुई खींच दी, ये इसको काज स्टिच ही बोलते हैं, काज में ये हम आई बना रहे हैं। ये देखिए ये हमने खाली टाका जो हमारा जितना है ये, लेकिन टाके के हम सारे धागे लेंगे, ये नहीं कि आप आधा लीजिए, आधे नहीं सारे जितने हैं ये टाके उतने ये लेके धागा सुई के पीछे से जाते हुए, ये देखिए इससे क्या होगा, ये इस तरह से ये देख रहे ये फूल बनता है, मतलब एक तरह से ये गुलाई बन रहा है, इसको काज स्टिच बोलते हैं। इस तरह से हम इसमें देखिए ये धागा भी अच्छे से बंध रहा है हमारा और स्टिच भी हमारी अच्छी बन रही है। ये देखिए इस तरह से हम एकदम लास्ट में ऐसे आ जाएंगे ये, और वापस क्या करेंगे, सुई उसी छेद में नीचे डाल देंगे और इसमें भी गांठ हम क्या करेंगे, ये जो धागा है इसी में फंसाते हुए ये जो गोलाई बन रही है इसी गोलाई में पीछे से धागा डाल के ये गांठ लगा लेंगे। ये हमारा टाका बन गया आई, इसको बोलते हैं आई। देखिए ये देखो चोटी की तरह इसका शेप आ रहा है देखने में। इसी आई में ये हमारा हुक है, इसी आई में ये ऐसे, ये देखिए ऐसे फंसा दिया जाता है, देख रहे हैं, और ये इसको निकाल देते हैं और ये हमारी ख़राब भी नहीं होती है, कई बार यूज़ करने पे भी ये वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये तो हमारा हो गया हुक और आई। अब हम आपको बटन और काज बताते हैं। शर्ट में जो बटन लगता है वो,
शर्ट के बटन के लिए ये देखिए इस तरह का ये बटन होता है जिसमें चार छेद बने होते हैं। इसको हम जहाँ भी हमें लगाना है वहाँ कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे। इसके लिए भी हमने चार धागों का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें से हम एक छेद में इस तरह से ये सुई निकालेंगे, ये देख रहे हैं, खाली एक छेद में। चाहे तो आप इस तरह से क्रॉस में डाल सकते हैं या फिर ऐसे हॉरिजेंटल या वर्टिकल शेप में किसी भी तरह से डाल दे सकते हैं। हम यहाँ क्रॉस में डालेंगे, एक छेद से निकालेंगे और दूसरे छेद में ये डाल देंगे इस तरह से, ठीक। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ढीला रखेंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है हमने, ये देखिए इतना यहाँ पे ये गैप है, ये ढीला रखा है। अब हम दूसरे छेद में जो कि बचा हुआ है, दो छेद में तो पड़ गया, अब हम तीसरा छेद जो है उसमें डालेंगे। क्योंकि हम क्रॉस बना रहे हैं इसलिए हम इस तरह से हमने डाला है। और ये जो चौथा छेद है इसमें हम डाल के ये, अब हम कहाँ निकालेंगे धागा, इस बटन पे, ये कपड़े में निकालेंगे, लेकिन बटन के ऊपर नहीं, केवल इस कपड़े में। ये देखिए जहाँ पे छेद आ रहा है वहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे हमारे सेंटर पे जहाँ टाके आ रहे हैं वहीं पे हम निकाल देंगे ये। और ये देखिए ये बटन देखिए ढीला है, ये बहुत टाइट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा आया है इसको इस तरह से इसके लपेटेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे लपेट के। अब हम क्या करेंगे, ये एक ऐसे गोला बनाएंगे और इस गोले के अंदर सुई को ऐसे डाल के ये निकाल देंगे, तो इससे जो है ये गांठ बन जाएगी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये हमने इसको लपेटते हुए एक गोला बनाया राउंड शेप में, ठीक। और धागा हम नीचे से ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये, और इसको हम खींचेंगे तो ये हमारी इसमें गांठ लग गई। अब आप देखिए ये कर लीजिए, आपका ये खुलेगा नहीं, आई बात समझ, ये इस तरह से हमारा ये बटन लगता है। इससे क्या है, ये छेद में आराम से डल जाता है, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये लपेट दिया जाता है। ये टाके लिए तो उनको हमने लपेट दिया है, ठीक, इस तरह से ये बटन लगता है। अब हम आपको इसका काज बनाना बताते हैं। काज बनाने के लिए मान लीजिए ये हमारा बटन है, इसका काज हमें यहाँ बनाना है, तो हम यहाँ पे पहले एक कट लगाएंगे। और कट देखिए कैसे लगाना है, अगर आपको लंबा बनाना है इस डायरेक्शन में तो कट जो है ऐसे लगेगा, क्योंकि हम जब काटेंगे तो ऐसे फोल्ड करते हैं। ये देखिए हमें वर्टिकल कट लगाना है, ये देखिए वर्टिकल लगाना है, तो ये इस तरह से ये कट आएगा, ये आपको जो ब्लू कलर की पेंसिल का दिख रहा है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। कट हमारा इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि इसमें ये बटन जा सके, ये देखिए ऐसे, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। अब हमारा ये कट लग गया है, सुई में हमने उसी तरह से चार धागे डाले हैं और एक डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ ये इतना कपड़ा छोड़ के, ठीक है, ये आपका छेद है, तो हमें इसके बराबर लगभग एक सूत की दूरी पे ये टाके लेने हैं, ये दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से हम ये शुरू करेंगे, हमने ये देखे नीचे से धागा डाला, इसमें भी हमें उसी तरह से काज लेना है, धागा हमें पीछे रखना है और एकदम सफाई से ये बगल में बनाते हुए इसी छेद में निकालेंगे और इसको इस तरह से जी फूल बना लेंगे। फिर से हम इसी के डालेंगे बगल में और इस तरह से ये ठीक, ये आपको बस ध्यान रखना है कि एकदम बराबर बराबर टाके लें और धागा हमेशा पीछे, ये देखिए धागा हमेशा सुई के पीछे,
दिख रहा है इस तरह से। ये आपका आएगा, फिर से देखिए, ये हमने टाका लिया, इसी छेद पे निकाला, ये धागा जो है हमारा सुई के पीछे है, ये इस तरह से। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसी तरह से ये हम पूरा फिल कर देंगे। जब गोलाई में आएंगे तो थोड़ा सा गैपिंग टाकों की बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ छेद में तो वो एक ही सेंटर पे आएगा, क्योंकि ये जो है वो इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहीं पे आएगा, तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा टाकों की गैपिंग बढ़ा देंगे, और बाकी जगह जो सीधी लाइन आ रही है ये और ये, यहाँ पे हम पास पास टाके लेंगे। ये इस तरह से ये काज का ये बनाते हुए हम पूरा इसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये भी आप दो या चार धागों से बना सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपका, इसको आप और पास पास भी बना सकते हैं, पूरा इसको भर देंगे तो एकदम मशीन की तरह लगेगा। इसी तरह से हम इधर वाला कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, इधर भी हमने लाइन भर दी है। अब ये देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, ये टाका हमने लास्ट वाला लिया जैसे बाकी टाके लिए थे, और ये देखिए हमारी गोलाई अब पूरी हो गई है। इसके बाद हम इसको यहीं पे ही कपड़े के साथ अंदर ऐसे डाल के यूँ फिनिश कर देंगे। ये हमारा काज बन के तैयार हो गया। पीछे हम इसमें इसी तरह से ये गांठ लगा देंगे, यही गोलाई करते हुए इसी छेद में डालेंगे और खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया काज, और ये देखिए ये हमारा बटन है और ये हमारा काज है। इसमें हम इस तरह से इसको डाल के ये बंद कर लेंगे, ठीक। ये क्योंकि हमारा हमने इस तरह से बनाया आमने सामने, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये इधर उल्टा होगा, लेकिन जब शर्ट की पट्टी होती है तो वो इस तरह से नहीं आती है, बल्कि वो बीच से अलग होती है, ठीक है। तो जब ये मतलब का सीधी तरफ बनेगा और ये आएगा पहनाने पे इस तरह से यूँ पहनाया जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं वो होता है स्कर्ट का हुक आई या पैंट का हुक आई। तो ये आपका इस तरह से इसका हुक और वो मिलता है लगाने वाला, तो अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो जैसे हमने आपको अभी आई लगाना बताया था, ये सॉरी हुक और आई, तो जैसे आपने इसके छेद में काज बनाया था उसी तरह से, ये आपने जैसे इसके छेद में बनाए थे भरा था ना इसको, उसी तरह से आप इसके छेद भी भरेंगे। जैसे ये तीन है और ये दोनों हैं, ठीक है। लेकिन आजकल इनका चलन कम हो गया है, अब आजकल जो है ये प्रेस करने वाले आ गए हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ भी इसको लगाना होता है, ये देखिए इस तरह से ये कपड़े में हम इसको ऐसे डालते हैं छेद करके, ठीक है। जो बेल्ट बनती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो वो इसको ये ऐसे आप डालेंगे तो देखिए ये कपड़े को फाड़ देगा। तो ये ज़्यादातर जो बकरम पट्टी वाली बेल्ट बनती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसमें ये कपड़े में ऐसे ये डाल देते हैं जहाँ भी हमें लगाना होता है। ये इसका पीछे फंसाने वाला होता है, इसको इस तरह से इसमें लगा के ये, और ये हम इसको प्रेस करके दबा देते हैं, तो ये हमारा ऐसे हुक लग जाता है, और जहाँ भी इसके सामने ये आता है वहाँ पे हम इसका ये फंसाने वाला लगा देते हैं। इसको भी इसमें ये देखिए पीछे इसका वो दिया रहता है, इसको पीछे हम इसके पीछे ये डालते हैं और ये ऐसे फंसा देते हैं, ठीक है, और इसको दबा देते हैं। तो इसमें मशीन का कोई काम नहीं होता है, ना हाथ का कोई काम होता है, लेकिन जो इस तरह के पहले आते थे उसमें हाथ का काम होता है। अगर आपको इस तरह के हुक मिल जाए तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, और अगर आपको इस तरह के मिल जाए तो आप पीछे प्रेस करके इसको लगा सकते हैं, ठीक। ओके, बाय।